अस्सलाम वालेकुम क्लास डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा चैप्टर नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी, इसमें हम वर्क को डिस्कस करेंगे, वर्क क्या होता है एंड एनर्जी, और एनर्जी को डिस्कस करेंगे एनर्जी क्या होती है। एनर्जी की सबसे पहले अगर डेफिनेशन देखी जाए, अ बॉडी पोजेस एनर्जी इफ इट इज कैपेबल टू डू वर्क, किसी भी बॉडी के अंदर किसी भी जिस्म के अंदर काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट तब ही कोई वर्क परफॉर्म कर सकता है, कोई फंक्शन परफॉर्म कर सकता है अगर उसके पास एनर्जी हो। अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी नहीं है तो वो अपना काम अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकता। तो कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए हमारे पास एनर्जी लाजमी चाहिए। अगर हमारे पास एनर्जी होगी तो हम अपने फंक्शन को इजीली परफॉर्म कर सकेंगे। तो किसी भी बॉडी के अंदर काम करने की सलाहियत को हम एनर्जी कहते हैं। बेटा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखें, एक्सप्लेनेशन में दो तीन बातें इसमें बताई हुई है कि एनर्जी की डिफरेंट टाइप्स एंड डिफरेंट फॉर्म्स है। इसकी मैकेनिकल एनर्जी है, हीट एनर्जी है एंड लाइट एनर्जी है, जो हम डेली लाइफ में रोजाना ऑब्जर्व करते हैं, यूज करते हैं। हमारे पास सन है, सबसे बड़ा जो एनर्जी का सोर्स है वो सन है। उससे हम लाइट एनर्जी भी हासिल करते हैं और हीट एनर्जी भी हासिल करते हैं। उससे हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा काम करते हैं। ये जो हमारे दिन में रोशनी होती है और ये जो गर्मियों में और सर्दियों में जो हीट होती है, सूरज की वजह से हमें महसूस होती है। पौधे जो होते हैं अपनी खुराक सूरज की रोशनी में बनाते हैं, जिसे फोटोसिंथेसिस आप कहते हैं। इसके बाद केमिकल एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी होती है जो हम यूज करते हैं घरों में। डिफरेंट टाइप्स मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, ये सारी हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। बेटा याद रखने के बाद एक बात के, जो एनर्जी होती है ना तो वो क्रिएट करती है, ना बनाई जाती है और ना ही डिस्ट्रॉय करती है, ना तबाह होती है और ना ही पैदा होती है, बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे आप खाना खाते हैं तो जो आपकी एनर्जी है बॉडी में केमिकल एनर्जी बन जाती है, और उस केमिकल एनर्जी को आप एज अ मैकेनिकल एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, मसलन चलने फिरने में, अपने काम करने में, अपने लेसन याद करने में। तो केमिकल एनर्जी को हम एज अ इस्तेमाल करते हैं मैकेनिकल एनर्जी के तौर पर। इसी तरह जो लाइट के अंदर एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी होती है, जो बल्ब के अंदर एनर्जी होती है तो वो एज हम लाइट एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट होती है। यूनिट की बात करें तो यूनिट हमारे पास जूल है, एनर्जी का जो यूनिट होता है वो हमारे पास जूल है। आपके पास किसी भी किस्म की एनर्जी आ जाए, मैकेनिकल आ जाए, हीट आ जाए, लाइट आ जाए, केमिकल आ जाए, किसी भी किस्म की, तो उस सब का यूनिट जूल होगा। ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पूछा जाता है, व्हाट इज यूनिट ऑफ लाइट एनर्जी या केमिकल एनर्जी। तो सब यूनिट्स, सब एनर्जी का यूनिट जूल होता है। एम्पीयर क्वांटिटी की बात की जाए तो क्वांटिटी ये स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी इस वजह से होती है क्योंकि इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, और जो चीज स्पेसिफिक डायरेक्शन रखे, एक खास डायरेक्शन रखे, सीमित रखे, उसको वेक्टर कहते हैं। एनर्जी की एक कोई खास डायरेक्शन नहीं, ये चारों सीमित होती है हर तरफ, तो इस वजह से ये स्केलर होती है। पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आए, सबसे पहले अपनी डेफिनेशन लिखनी है, फिर इसके एक्सप्लेनेशन में ये चीज बताने की इसकी बहुत सी फॉर्म्स है, छोटी सी शॉर्ट फॉर्म में, फिर इसका यूनिट बता देना पूरी क्वांटिटी। अगर आप ये चारों चीजें पेपर में ऐड करें तो आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चन होगा 2x2 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो ये रहा डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एनर्जी का छोटा सा ब्रीफ सा डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन एंड यूनिट। थैंक यू सो मच। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो तो आप कमेंट्स के थ्रू हमें बता सकते हैं। शुक्रिया।